रुद्रपुर के आवास विकास क्षेत्र स्थित आईलेट के मैनेजर का अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया है। आरोपियों ने अपहरण कर 50 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने देर रात दो आरोपियों को गिरफ्तार कर मैनेजर को सकुशल बरामद कर लिया। साथ ही अन्य दो अभियुक्तों को खटीमा से गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने आरोपियों से मैनेजर से छीनी गई 94,000 की नगदी, दो नकली पिस्टल, एक कार और एक बाइक समेत चार मोबाइल बरामद किए। चार आरोपियों में तीन आरोपी यूपी और एक आरोपी खटीमा का रहने वाला है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। परजीत सिंह हमारा मास्टरमाइंड था। परजीत सिंह ने पूरा कहानी हमें बताया, तो उसमें यह था कि परजीत सिंह को कोई और आईएलटीएस इंस्टीट्यूट से 15 लाख की नुकसान पड़ गई विदेश जाने के चक्कर में, तो उसका पैसा तो कम मतलब काफ़ी लॉस हो गया। उसको कवर करने के लिए इसने ये प्लान बनाया, कैंडिड में अपना फाइल भी लगवाया, कोचिंग के लिए एनरोल भी करा। 1 लाख रुपए का पहले 15,000 दिया, फिर बाद में 1 लाख रुपए का पैसा दिया कल। तो कल इनिशियल प्लान ये था कि 1 लाख रुपए देना है और बाकी साथियों के साथ सतवंत को बिठा के उस 1 लाख को लूट के ले जाना।